प्रतापगढ़ में देर रात बारातियों से भरी बोलेरो ट्रक में घुस गई। हादसे में बोलेरो में सवार 6 बच्चे सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। प्रतापगढ़ में हुए हादसे के बाद नवाबगंज के शिखपुर गांव में शादी समारोह मातम में बदल गया। बारात छोड़कर लोग घटनास्थल और अस्पताल पहुंचने लगे। अफरा तफरी के बीच रस्म अदायगी हुई और बिना दुल्हन के बारात लौट गई। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इस बारे में गृह विभाग के न्याय और विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अपने सरकारी मोबाइल यानी CUG नंबर पर आने वाली हर कॉल खुद रिसीव करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी DM, SP और SSP को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं को पूरी गंभीरता से लें। कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों का साथ देने और धारा 370 पर अपनी स्थिति साफ करने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि BJP के नेता को कोई सवाल करने से पहले साफ करना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ मिलकर सरकार बनाने के पीछे क्या मंशा थी। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि 4 साल में निवेश के लिहाज से मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वाला राज्य UP बन गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में 9,700 करोड़ के निवेश से 1,96,00,000 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। होम टैक्स के नाम पर दी जा रही मनमाने छूट को खत्म किया जाएगा। इसका परीक्षण शुरू हो चुका है। इसमें मिलने वाली गैर जरूरी छूट को खत्म किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए वहां से यूपी आने वालों की सैंपलिंग तेज हो गई है। नोएडा में सड़क मार्ग से आने वालों की रैंडम और औचक जांच हो रही है। बनारस और मुगलसराय समेत कई स्टेशनों पर ट्रेन से आने वालों की औचक कोरोना जांच शुरू की गई। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यूपी के मेरठ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में 6 दिन तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। गढ़मुक्तेश्वर में 25 से 30 नवंबर तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। यहां केवल शादी के लिए आने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। पूर्वी यूपी के गोरखपुर से सटे नेपाल की सीमा को कोरोना की वजह से अभी तक सील रखा गया है। इस वजह से दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के रिश्तों पर ब्रेक लग गया है। लोगों को उम्मीद थी कि अनलॉक के साथ बॉर्डर खुल जाएगा, लेकिन 25 नवंबर से शुरू हो रहे सहालग में भी इस बार कोई बारात सीमा पार नहीं कर सकती। चित्रकूट में PRV की मुस्तैदी से एक दुष्कर्म पीड़िता की जान बच गई। पीड़िता को फंदे से उतारते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आया है। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। यूपी के बलरामपुर में विवेचना में गई पुलिस टीम पर बनबड़ों ने पथराव कर दिया। विवेचक उप निरीक्षक की वर्दी फाड़ दी। सरकारी असलाह छीनने की भी कोशिश की गई। बाराबंकी में सेल्समैन ने उधार में शराब देने से मना कर दिया तो आग बबूला होकर BJP नेता ने शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन की लात घूसों से जमकर पिटाई कर डाली। सेल्समैन की चीख पुकार सुनकर जमा हुआ आस पड़ोस के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर सेल्समैन की जान बचा ली। औरैया के सहार में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया। प्रेमी की मौत की सूचना मिलते ही प्रेमिका ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। कौशाम्बी जिले के पिपरी के चायल में शुक्रवार की सुबह पिता पुत्र की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों का शव घर के अंदर कमरे से मिला है। घटना को तंत्र मंत्र का चक्कर बताया जा रहा है। कुशीनगर के फाजिल नगर कस्बे में हाटा विधायक पवन केडिया के गारमेंट व्यवसायी रिश्तेदार की पत्नी को घायल कर 4,80,000 की लूट की खबर से सनसनी फैल गई। महिला को बेहोशी की हालत में गोरखपुर रेफर किया गया है। कानपुर में हुए विकास दुबे के इस मामले में SIT रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। IPS अनंत देव को सस्पेंड करने के बाद SIT जांच में एक ASP, 2 CO समेत 40 पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया है। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसे गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जो कार में लिफ्ट देकर लोगों से लूटपाट करते थे। पकड़े गए बदमाशों में एक महिला भी है। पुलिस ने उनके पास से लूट के 11 मोबाइल फोन, सोने की चेन, एक देसी तमंचा, एक एयरगन, 2 चाकू और एक कार बरामद की है।
नोएडा के सेक्टर 39 में रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा के पिता ने उसके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट है कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 17 नंबर को घर पर ट्यूशन से निकली थी लेकिन लौटी नहीं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 3 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पास से 25,000 की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर भाग गए। घटनास्थल को लेकर नोएडा और दिल्ली पुलिस आपस में उलझी हुई है।